नमस्कार। रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, इस विषय पर बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा मैं आज आपको सुनाती हूं। इसमें आपको दो प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, ध्यान से सुनेगा। एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया, जो लगभग 12 वर्षों तक चलता रहा। इसमें देवता हारने लगे और राक्षस विजयी होने लगे। देवताओं का प्रतिनिधित्व देवता इंद्र के द्वारा हो रहा था। हार से परेशान होकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा युद्ध को यहीं पर रोक देना चाहिए, लेकिन इंद्र की पत्नी सुची ने कहा कल सावन महीने की पूर्णमासी है, कल एक ब्रह्मसूत्र ब्राह्मणों को बुला के तैयार किया जाएगा, उसे इंद्र के हाथ पर बांधा जाएगा, फिर उसे युद्ध भूमि में भेजा जाएगा। तो पूर्णमासी के दिन, सावन महीने की पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को बुला करके एक रक्षा सूत्र तैयार किया गया, जिसे ब्राह्मणों द्वारा इंद्र के हाथ पर बंधवाया गया और उसे बांधकर उन्हें युद्ध भूमि में भेजा गया। उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवता लोग विजयी होने लगे और देवताओं की विजय हुई। तो इसी दिन से रक्षा सूत्र राखी का पर्व मनाया जाता है। इसमें आपको दो प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। पहला, इंद्र के गुरु कौन हैं और इंद्र की पत्नी का नाम क्या है। धन्यवाद।